अच्छा, ये वाली जो जगह है जहाँ से ये ऊपर वाली रोड जा रही है, ये सामने से यहाँ पे जो दरख्त है इसके बाद से रोड है, और ये नदी इसके आगे एक पुल है जिसको सौड़ा वाला पुल कहते हैं। जो भी यानी कि एबटाबाद वाली साइड से कोई भी अगर आना चाहे तो वो इस पुल पे आके गाड़ी वगैरह या बाइक जो भी है वो अपनी खड़ी करे और सीधा ऊपर आ जाए। ये जो सामने रास्ता नजर आ रहा है इससे ऊपर आ जाए। ये पत्थरों के दरमियान कुदरती तौर पर पुल बने हुए हैं। जितने भी एरिया है ये पीछे, ये बिल्कुल सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे और ये नदी बिल्कुल उनके दरमियान में से आ रही है, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के आगे पुल बने हुए हैं। अच्छा, ये बना हुआ है, ये पानी आ रहा है इस वक्त, ये नहीं कि ये थोड़ा मिट्टी वगैरह इसमें, क्योंकि पीछे लड़के वगैरह नहा रहे थे तो मिट्टी वगैरह आ गई है, वरना ये बड़ा साफ और बिल्कुल शफाफ पानी है। जहाँ पे ऊपर मेन जगह पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे मेन जो पूल है, ये लड़के वगैरह नहाते हैं जहाँ पे, उस जगह पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरत जगह है। आप ये बिल्कुल इस एरिया में ट्राउट जो है वो इस एरिया में काफी ज्यादा पाई जाती है। हमारे एरिया जितने भी है, ये हमारा गांव है, तो उसमें सबसे ज्यादा इस एरिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों साइडों पे पत्थर हैं और पानी को किसी भी साइड पे आप डिवर्ट कर से ये नहीं कर सकते कि एक साइड से पानी कम करके दूसरी साइड से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई जगह ऐसी नहीं है कि बंदा पानी को थोड़ा दूसरी साइड पे मोड़ ले। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर पत्थर लग रहे हैं। बिल्कुल इस जगह पे पानी आके दो पहाड़ों के दोनों तंग जगह है, आपको पानी के अंदर से ही गुजर के जाना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे ये है कि रेत इस वक्त आ चुकी है तो पानी इतना गहरा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, पूरी एक वॉल बनी हुई है दोनों साइडों पे, पहाड़ की एक वॉल बनी हुई है और उसके दरमियान में से ये एक नदी जा रही है। ये ऊपर जैसे वो जो पूल है उसकी तरफ हम जा रहे हैं और काफी हाइट से ये पानी आ रहा है जो नीचे आके उतर रहा है। इस वक्त नदी का शोर बहुत ज्यादा है, इस वजह से आवाज शायद इंटरप्ट हो रही हो। ये बेसिक ये वाला पूल है, ये जगह है जो यहाँ पे ये पूल है, दोनों साइडों पे पास पूरे पत्थर की एक वॉल बनी हुई है और उसके साथ साथ ये एक पूल बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये यहाँ पे नहा रहे हैं लड़के और ऊपर से एक आबशार है, ये देख सकते हैं। ये चेक करें, पूरी एक बॉल है दोनों साइडों पे, पत्थरों की एक बॉल है। यहाँ पे मुझे लगता है आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है पानी का। ये सामने जो जगह है ये ऊपर, यहाँ से पानी आ रहा है और ये वह जगह है, यहाँ से आप नदी को क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर से आप आ सकते हैं, नीचे से नहीं आ सकते। ये देखिए ये पानी इस तरह इस पूल में, अभी क्योंकि बारिशों की वजह से यहाँ पे ये रेत वगैरह आ गई है तो ये पूल जो है ये रेत की वजह से भर गया। ये कुदरती तौर पर पूल बना हुआ है, यहाँ पे पत्थरों की इस तरह गोलाई इस तरह की है, ये एक पूल के टायर से चल बन जाती है। ये ऊपर से बिल्कुल पानी आ रहा है और बड़ा साफ साफ पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं आप नहा रहे हैं।
बिल वैसे आना से बंदू मैं ये देख के एंजॉयमेंट हो रही है समझ के घूम रहे हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। ये देखें पहाड़ों के दरमियान से रोशनी नजर आ रही है आपको। ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान से पानी नीचे गिर रहा है। ये सब लोग एंजॉय करने आए हैं यहाँ गर्मी में। चले हम एक बंदे से इंटरव्यू लेते हैं यहाँ के बारे में कुछ लोग मतलब आपके साथ शेयर करते हैं। जायद भाई और की जायद भाई क्योंकि पानी सर बहुत तेज है तो चलो इनसे पूछते हैं। ये जो बच्चे आए हैं इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आदमी को कैसा होता है। पानी काफी ठंडा है इस वक्त। ये वैसे भी नहीं कि पानी एक दूसरे के पास देख रहे हैं। पानी बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे और पानी बड़ा ठंडा है अभी है। ये आगे यहाँ से ये पानी नीचे बैठ ही जाता है और ये यहाँ से सीधा हरनौ से सीधा करबेला डैम की तरफ ये पानी जाता है हवेलियाँ वाली साइड से होता हुआ। ये देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक भाई खड़े हैं इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये कौन सी जगह है और ये क्या जगह। अच्छा ये जगह कौन सी है जरा गाइड कीजिएगा कि किसे। मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज रिकॉर्ड हुई होगी क्योंकि पानी का शोर काफी ज्यादा है। तो नेक्स्ट किसी से पूछते हैं जी। अच्छा ये एक और भैया है इनसे पूछते हैं मेरा छोटा भाई है इससे पूछते हैं कि अच्छा ये जो ये पूल है अच्छा ये कौन सा एरिया कौन सा है जिस साइड से ये नदी आ रही है अभी। ये ठीक है जी थैंक यू। अच्छा ये एक भाई है इनके बाकी दोस्त जो सारे कह रहे हैं कि ये जॉन सीना है इस एरिया के तो पूछते हैं इनसे कि यार इनकी ये जो बॉडी है इसका क्या राज है। अच्छा आप बताएं जी यहाँ पे वैसे आप काम रहे हैं मुझे लग रहा है सर्दी की वजह से या क्या मसला है। आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डर है सारे ही एक से बढ़कर एक बड़ा। तो भाई से पूछते हैं कि आप क्या करने आए हैं यहाँ पे।
आपको तो वैसे नहीं आना चाहिए था कि आपकी सेहत देख के मुझे लग रहा है कि शाम को आपको टाकू हो जाना है। ये भाई आए जी लाहौर से, तो ये यहाँ पे नहाने आ गए और लाहौर में तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सर्दी में आप कांप रहे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं।